चंपावत जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहा घाट और घाट के बीच गुरना संतोला बाराकोट के पास मलबा आ गया है। इसके चलते नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है। फिलहाल सड़क खोलने के लिए प्रशासन और NH की टीम लगी हुई है। बारिश होने के चलते सड़क खोलने में परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के अचानक भारी भूस्खलन हुआ, देखते देखते बड़ी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया। भूस्खलन लगातार जारी है। NH के अधिकारियों के मुताबिक NH खोलने के लिए मशीन भेज दी गई है। लगातार पहाड़ी से मलबा आने से NH खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुकेश बोरा के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देर रात गाजेबाजी के साथ पुलिस बोरा की संपत्ति कुर्क करने के लिए उनके घर पहुंची। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि मुकेश बोरा की धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें लगी हुई है। मुकेश बोरा के करीबियों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंदी लिया जा चुका है, लगातार कड़ी जा रही पुलिस टीम के द्वारा अनेक थानों में दी जा रही है और बहुत जल्द इसमें अरेस्टिंग की कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ 82-83 की कार्रवाई भी ऑन द वे। 82-83 कार्रवाई इसमें प्रोक्लेमेशन होता है 82 में और इसमें चस्पा किया जाता है, बताया जाता है, घोषणा होती है और 83 की कार्रवाई में जो घर का जो भी सामान है वो सारी चीजें जब्त करी जाती है। इसके अलावा उसे पकड़ने के लिए कितनी टीम लगाई गई? इसमें 5 टीम लगाई गई हैं, अलग अलग लोकेशन में लगाई गई हैं और बहुत जल्द रिजल्ट आएगा इसमें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं अंदाजों की वजह से वो अक्सर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों की सुर्खियों में रहते हैं। इस बार हरदा लोगों को ककड़ी और रायता खिलाते नजर आए। लोगों ने जमकर रायता और ककड़ी का स्वाद चखा। दरअसल हरीश रावत ने अपने आवास पर ककड़ी और रायते की पार्टी का आयोजन किया, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस विद ककड़ी एंड रायता नाम दिया गया। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर हरीश रावत ने रायता ककड़ी की दावत देकर एक बार फिर उत्तराखंडी उत्पादों को बढ़ावा देने का काम किया है। लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र भ्रमण के बाद सामाजिक कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने शिष्टमंडल के साथ जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर नवनियुक्त जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी के आपदा प्रभावित गांवों का शीघ्र भूगर्भीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की और विकास में मुनस्यारी के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पुलिया पेयजल पैदल मार्गों की शीघ्र मरम्मत कर आवाजाही सुचारू करने और तहसील बंगापानी मुनस्यारी धारचूला में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति, 2 महीने से बंद पड़ी पत्थरकोट से तोमिक छापली में बना मोटर मार्ग को शीघ्र खोलने आदि का जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दानू के साथ हिमांशु चुफाल, हरीश तोमक्याल, लव राजकुमार, लक्ष्मण विश्वकर्मा, राजेंद्र सिंह, अनिल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर विकासखंड मुनस्यारी के तमाम क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हुए पेयजल पुलिया पैदल मार्गों की मरम्मत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भूगर्भीय निरीक्षण और बंद पड़ी हुई मोटर मार्गों को खोलने के लिए जिलाधिकारी महोदय जी से मिलकर ज्ञापन दिया और उनका पिथौरागढ़ आगमन पर स्वागत और अभिनंदन किया मतकोट मुनस्यारी क्षेत्रवासियों की तरफ से। और जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि तत्काल क्षेत्र की तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष उत्तराखंड ST आयोग के सदस्य कुंदन सिंह टोलिया का निधन हो गया है। टोलिया ने अपने जीवन में समाज के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। पिथौरागढ़ नगर में कई दशकों से कपड़े की दुकान चलाने वाले कुंदन सिंह टोलिया पूर्व क्षेत्र प्रमुख मुनस्यारी, पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके निधन का समाचार मिलते ही पिथौरागढ़ नगर और मुनस्यारी में शोक की लहर दौड़ गई। डीडीहाट के नवीन टोलिया ने बताया रविवार को जिला अस्पताल के ICU में जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि कुंदन सिंह टोलिया जी के साथ रेड क्रॉस में काम करने का मौका मिला, आज उनके निधन का समाचार सुनकर निशब्द हूँ। देहरादून पुलिस विभाग में 2 IPS अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके तहत IPS अधिकारी विमी सचदेवा को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मॉडर्नाइजेशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नीलेश आनंद भरने को पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस विभाग नए प्रयोग कर रहा है, साथ ही पुलिस मुख्यालय के स्तर पर दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न अपराधों को लेकर निर्देश जारी हुए, साथ ही जिम्मेदारी भी तय की गई।
बुधवार को मूनाकोट विकास खंड में लछेर मेले का पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने शुभारंभ किया। मयूख मेहर का कहना है कि ये मेला हमारी धार्मिक संस्कृति का वाहक है, इसे भव्य रूप देने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। इस दौरान चिराली गांव से विधि विधान के साथ माँ महाकाली का डोला उठा। ढोल नगाड़ों के साथ माँ के जयकारे लगाते हुए डोले को जमतड़ी से चिरलेख गाड़ गांव, खेती गांव, बथौली और डोली होते हुए लछेर मंदिर तक लाया गया। माँ के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे Facebook और Insta पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।